गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी जो आज का टेस्ट पेपर है उस टेस्ट पेपर की सॉल्विंग देखेंगे, क्योंकि आप लोगों को बताते हैं कि हर सैटरडे को हम क्लास टेस्ट लिया करते हैं। वो क्लास टेस्ट तो कोई मार्क नहीं रखता, मतलब उस पर कोई मूल्यांकन नहीं होता, लेकिन आपको सेल्फ इवेल्युएशन के लिए टेस्ट दिया जाता है। ठीक, तो आज की डेट का जो आपका क्लास टेस्ट है उसमें आप लोगों को जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, इस फर्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सबसे आसान क्वेश्चन दिया जाता है, आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट एन 8 लाइन पोएम, 8 लाइन्स पोएम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। ये सिंपल सा क्वेश्चन आपका दिया गया कि आपको 8 लाइन कविता लिखना है। कहां से लिखना है? अपनी किताब से लिखना है। मतलब हर एग्जाम में लगभग आपको फिक्स रहता है कि आपका के लिए 8 लाइन की कविता लिखने के लिए दी जाती है। पोएम आपको लर्न भी रहना चाहिए, क्योंकि जो पोएम आपको पढ़ाई जाती है आपके टेक्स्ट बुक की, उसमें केवल आपको वर्ड मीनिंग लर्न कराया जाता है और पोएम की मीनिंग बताई जाती है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप लोगों को कभी भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा आपको 8 लाइन पोएम लर्न होनी चाहिए। और फिर आप ये भी देखते होंगे कि जो पोएम आपसे पूछी जाती है वो पोएम आपका उसी असेसमेंट एग्जाम का होता है, मतलब जब पढ़ाया गया होता है। जैसे मान लीजिए अभी अगस्त टेस्ट आएगा आप लोगों का, अगस्त के बाद हाफ ईयरली, हाफ ईयरली के बाद फिर कौन सा टेस्ट आएगा, मतलब आपका जनवरी टेस्ट, फिर उसके बाद एनुअल एग्जाम। तो हर एग्जाम कि आसपास जो पोएम पढ़ाई की होती है वही आपके परीक्षा में पूछी जाती है। यहां पर एक चीज और होता है कि हम जो टेस्ट पेपर बनाते हैं, कॉमन टेस्ट पेपर बनाते हैं, कॉमन टेस्ट का मतलब हो सकता है वो कई क्लास के लिए एक साथ टेस्ट मतलब पेपर हो, लेकिन लगभग चीजें अलग अलग रहती है उसमें, सब अपने अकॉर्डिंग टू करते हैं। अब जैसे क्या कह दिया गया, यही 8 लाइन पोएम जब आप आगे की क्लास में जाते हैं, क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th, तो वहां पर सेंट्रल आइडिया आपसे लिखने के लिए बोला जाता है। तो सेंट्रल आइडिया में क्या होता है, जब हम सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए देंगे तो वहां पर थीम ऑफ द पोएम लिखी जाती है, कि मतलब पोएम की थीम क्या है, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम, पोएम का मैसेज क्या है उसके बारे में लिखा जाता है। तो आप लोग वहां पर पोएम की सेंट्रल आइडिया लिखते हैं। ऑफन एक प्रश्न आता है कि हम सेंट्रल आइडिया कितनी लिखें, तो सेंट्रल आइडिया के लिए जो पैटर्न होता है, जो टॉपिक होता है, उसको लिखने का जो वर्ड होता है, अप्रॉक्सिमेट मान के चलिए आप लोग हाफ पेज, ठीक है, लिख सकते हैं। मतलब कुल मिला के 5 से 6 लाइन में आपको पूरी पोएम की थीम लिखना होता है, पोएम की सेंट्रल आइडिया लिखनी होती है, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम, पोएम का मैसेज क्या है उसको लिखना रहता है। तो बीच बीच में आप लोगों को हम सेंट्रल आइडिया लिखना बताते भी हैं, तो आप लोग सेंट्रल आइडिया और पोएम अपने से सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब ऐसा तो है नहीं कि हम यहां पर पोएम लिख के आपको बताएंगे, आपको पोएम अपने से अपनी किताब से नोट करना है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन सेकंड में है, राइट द डेफिनेशन ऑफ असर्टिव सेंटेंस विथ एग्जाम्पल एंड इट्स काइंड। अब क्वेश्चन 2 जो आपका है इसमें लिखा गया है आपको, मतलब असर्टिव सेंटेंस, ध्यान दीजिए, असर्टिव सेंटेंस की डिफिनेशन लिखना है, एग्जाम्पल और काइंड्स लिखना है। अब देखिए सेंटेंस क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ सेंस एंड इट्स कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस, मतलब शब्दों का ऐसा समूह जो भाव दे और उसका पूरा अर्थ दे, वो क्या कहलाता है, असर्टिव सेंटेंस कहलाता, मतलब वो सेंटेंस कहलाता है। लेकिन असर्टिव सेंटेंस क्या है, जब हम काइंड ऑफ सेंटेंस में जाते हैं, सेंटेंस के 5 काइंड पाते हैं, उसमें से हमने एक की डिफिनेशन पूछा असर्टिव सेंटेंस, हम कहते हैं द सेंटेंस, द सेंटेंस विच शोज असर्शन, ठीक है, इज कॉल्ड एसर्टिव सेंटेंस।
उसे हम एसाइड टू सेंटेंस कहते हैं, मतलब जो स्टेटमेंट को शो करता है, फैक्ट को शो करता है, वो आपका एसाइड टू सेंटेंस होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिख दिया द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पहला हो गया द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब देखिए यहीं पर हमने लिखा क्या, हमने लिखा द सन डज नॉट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। अब देखिए दो प्रकार का हमने दे दिया, एक आपका ये हो गया, एक ये हो गया। इसका मतलब एसर्टिव सेंटेंस के दो प्रकार होते हैं, पहला आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, और दूसरा आपका नेगेटिव सेंटेंस होता है। क्योंकि इसको यहां पर हम क्लियर कर देना चाहते हैं, आप लोगों से कोई पूछता है काइंड्स ऑफ सेंटेंस, तो अब आप लोग क्या बोल देते हैं कि अफर्मेटिव को अलग काइंड बोल देते हैं, नेगेटिव को अलग काइंड बोल देते हैं, फिर इंट्रोगेटिव को बोल देते हैं, फिर इंपरेटिव को बोल देते हैं, फिर ऑप्टेटिव को बोल देते हैं, आपका काइंड्स ऑफ सेंटेंस ज्यादा हो जाता। जबकि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस बोल रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस बोल रहे हैं, तो ये दोनों सेंटेंस आपके असर्टिव के क्या है, काइंड्स है, असर्टिव के प्रकार है। मतलब असर्टिव दो होता है, एक अफर्मेटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। क्लियर हो गया? अब आप लोग इसको यहां से क्लियर कर लेंगे कि असर्टिव सेंटेंस में हमारा कोई फैक्ट या किसी स्टेटमेंट को हम बोलते हैं, ये हमारा दो प्रकार का होता है, अफर्मेटिव होता है और निगेटिव होता है। ये आप लोगों को पहले जो बेसिक हम इंग्लिश पढ़ा रहे थे उसके तहत इन चीजों को आपको हमने बताया था। ठीक, देखिए अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमारा है, यहां पर आपका कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन, इतना ही आपसे पूछा गया था। तो पहले क्वेश्चन में हमने पोएम लिखने के लिए बोला था, और दूसरे क्वेश्चन में हम असर्टिव सेंटेंस की डिफिनेशन आप लोगों से लिखने के लिए बोले थे कि आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है तीसरा, तीसरा क्वेश्चन हम आप लोगों को टेंस पर आधारित फिल इन द ब्लैंक दिए, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका है टेंस पर बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें हम आपको फिल इन द ब्लैंक मतलब वर्ब की फॉर्म दिए हैं, ये भी आपके परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक, तो इसको भी आपको तैयार करना है, क्योंकि बेसिकली ये टेंस बेस्ड है। देखिए जैसे पहला लिखा गया है ही डिड नॉट, क्वेश्चन नंबर थर्ड का पहला है ही डिड नॉट, इसके बाद डैश कर दिया गया, मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मी अ ग्लास ऑफ वाटर, आपका ये सेंटेंस दिया गया, और ब्रैकेट में लिखा गया ब्रिंग। देखिए अब आपको टेंस पता होना चाहिए, टेंस के अकॉर्डिंग टू ही यहां पर सेंटेंस आपका अरेंज होगा, उसी के अकॉर्डिंग टू यहां पर क्या लगेगी, आपकी क्रिया लगेगी। तो अब डिड नॉट लगा है, देख रहे हैं आपका पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, और यस या यस फॉर्म और अथवा वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगती, तो इसलिए यहां पर ब्रिंग लिखा। तो चूंकि ब्रिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया है, तो यहां फिल इन द ब्लैंक में आप क्या भरेंगे, ब्रिंग। ठीक है, भले ही वहां पर ब्रिंग लिखा, हम ब्रिंग यहां पर रख देंगे। ठीक, अब दूसरा सेंटेंस जो है आपका, इसको आपको समझना है, दूसरे में लिखा गया है आई रीडिंग अ नॉवेल नाउ। देखिए आई लिखा गया, डैश लिखा गया, रीडिंग, इसके बाद लिखा गया ए नॉवेल, नॉवेल मतलब उपन्यास, यहां पर लिखा गया बी वर्ब, ध्यान दीजिएगा। अब चूंकि कई स्टूडेंट सॉल्व करके भेजे, सबको बी को बी में रहने दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए बी का फॉर्म होता है, आपको बताए थे जब कॉन्टिन्यूअस बताए थे, इज होता है, एम होता है, आर होता है, वाज, वर, ये देखिए दोनों प्रेजेंट के फॉर्म है, ये पास्ट का फॉर्म है, और इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, बे। तो अब यहां पर रीडिंग लिखा है,
वर्ब के आईएनजी फॉर्म लगा है, तो वर्ब के आईएनजी फॉर्म लगा है और चूंकि इसी के आगे नाउ भी लिखा हुआ, नाउ मतलब अब, तो अब इसलिए यहां पर देखिए प्रेजेंट टेंस शो हो रहा है तो आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, आई एम का, तो यहां पर जो आपका भरा जाए मतलब क्रिया होगी वो क्या होगी, आई एम। क्लियर। अब देखिए तीसरा सेंटेंस आपका जाता है, तीसरे सेंटेंस को हम देखते हैं, यहां पर लिखा है अर्चना, अर्चना लिखा है, इसके बाद डैश लिखा गया है, फिनिश्ड हर वर्क जस्ट नाउ, फिनिश्ड हर वर्क जस्ट नाउ। अब देखिए यहां ब्रैकेट में लिखा है हैव वर्ब, कौन सी क्रिया लिखा है, हैव। देखिए जस्ट नाउ एक चीज ऐसा शो करता है कि कोई काम अभी अभी समाप्त हुआ, अभी अभी तत्काल समाप्त होने का ये मतलब होता है कि यह जो टेंस है परफेक्ट टेंस है, और टेंस किसका है परफेक्ट का, प्रेजेंट का परफेक्ट शो कर रहा है क्योंकि अभी अभी कार्य समाप्त करने की बात कर रहा है। यहां पर हैव के कितने फॉर्म होते हैं आपको ये पता होना चाहिए, जैसे हैज, हैव, हैड, अगर फ्यूचर होगा तो इनके साथ विल शैल लग जाएगा हैव के साथ। यहां अर्चना सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, यहां पर हैज का। ए सेंटेंस आपका क्या हो गया, हैज यहां पर प्रयोग किया जाएगा। ओके, अब देखिए चौथा एग्जाम्पल जो इसका है, हम लोग चौथे पर चलते हैं। माय मदर हैज, देखिए चौथा लिखा माय मदर, इसके बाद लिखा गया है हैज, डैश कर दिया गया, कुकिंग फूड, कुकिंग फूड, इसके बाद लिखा है सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। अब देखिए यहां पर लिख दिया गया सिंस मॉर्निंग, माई मदर हैज लगाएगा, अब यहां पर सिंस लगा दिया गया और वर्ब की आईएनजी फॉर्म ये शो कर रहा है, टेंस हमारा कौन सा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, और किसका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हैज लगा है तो मतलब प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहां पर अब हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और हमने यहां आपको पहले ही बताया था बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन, तो हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी क्योंकि आईएनजी के पहले बी वर्ब लगता है, तो बी का थर्ड फॉर्म ने यहां पर क्या लगा लिया, बीन। तो क्या हो गया, माय मदर हैज बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, तो ये आपका करेक्ट हो गया। यहां पर हमने हैज भरा, यहां पर एम भरा, यहां पर ब्रिंग भरा। क्लियर। इसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन जो है फिफ्थ नंबर पे है, फिल इन द ब्लैंक का, इसमें लिखा है अंकिता, अंकिता के बाद डैश कर दिया गया, नॉट लिखा गया, लर्न हर लेसन स्टडी, लर्न हर लेसन स्टडी। देखिए सिंपल सा प्रश्न है, यहां पर वर्ब लिख दिया, भर दिया आपका क्या, डू। देखिए क्योंकि हम बताते हैं जब हम कोई भी एक्सरसाइज कराएंगे तो वहां से आपकी सारी चीजें एक साथ मतलब क्या हो जाती है, रिवाइज हो जाती है। देखिए डू का फॉर्म क्या होता है, डू का जो फॉर्म होता है डू, डज एंड डिड के रूप में होता है, ध्यान दीजिए। यहां पर नॉट लर्न लिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है यहां पर दो हेल्पिंग वर्ब ले सकता है, डिड भी ले सकता है और अंकिता के अनुसार डज ले सकता है, डू नहीं लेगा, डू चूंकि प्लूरल के साथ यूज होता है। लेकिन यहां स्टर्डे लिखा गया, देख लीजिए स्टर्डे का मतलब बीता हुआ समय, जब बीते हुए समय के सेंस में हम प्रयोग करेंगे तो यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे, अर्थात यहां पर जो क्वेश्चन नंबर फाइव है यहां पर हम किसका यूटिलाइजेशन करेंगे, डिड का। ओके, तो क्या हो गया, अंकिता डिड नॉट लर्न हर लेसन स्टडी। ए आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड के पांच विकल्प आए किसके, फिल इन द ब्लैंक। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपका था क्या, पोयम लिखने के लिए या सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए। दूसरा क्वेश्चन आपका था जिसमें असर्टिव सेंटेंस की डेफिनेशन और उसके काइंड्स पूछे गए थे। तीसरा क्वेश्चन था आपका फिल इन द ब्लैंक,
ये फिल इन द ब्लैंक आपको बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर आपका ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको भेज रहे हैं, क्योंकि उसको भी आपको पूरी तरह से समझा के भेजेंगे तो पूरा टेंस आपका रिवाइज हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग सेकंड वीडियो जरूर देखिएगा और वहां से अपने आंसर को मिला करके अपना इवैल्यूएशन करिए कि जो आपको पढ़ाया गया कितना समझ में आ रहा है। ओके okay?